अस्मिया, तुमने फोन करके इसे बुलाया था? फौरन कॉल करें इसकी अम्मी को, पता करें कि मामला क्या है। बल्कि रहने दे, खुद करती हूँ। ए, तुम इधर दो, इसको कोई जरूरत नहीं, अभी ठहर जाओ। मुझे पता था कि तुम मेरी पीठ में छुरा जरूर घोंपोगे। तुम मेरे भाई थोड़ी हो, दुश्मन हो मेरे। क्या तुमने ठेका लिया हुआ है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? हाँ, निकलो यहाँ से तुम। नादरा, होश करो, कोई जरूरत नहीं हाथ लगाने की इसको। नादरा, रुक जाओ। निकाहनामा दिखाओ तुम दोनों, शादी की है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। अगर पता होता और ये फोर्स भी करता तो नहीं आती। तो तुमने ऐसे ही फोन करके बुला लिया इसको? चक्कर चल रहा है ना तुम दोनों का? ये नादरा, होश में आओ, क्या बोले चले जा रही हो? बॉस आप चलिए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। चलिए। परदीन बेटा, तुम अभी तक बाहर हो, तुम जाओ, जाके आराम करो, कपड़े बदलो। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि वो किसके साथ भागी है, मैं आराम नहीं कर सकता। वो किसी के साथ भी गई हो, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डैड, आप पहले खुद को मेरी सिचुएशन में रख के फिर मुझसे बात करें। इतनी मोहब्बत से उससे बात कर रहा, इतने प्यार से उसे समझा रहा था, और वो भाग गई। फरदीन प्लीज। आपको अभी बता रहा हूं मम्मी, मैं आपकी भांजी का वो हशर करूंगा कि वो किसी का मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगी। बेटा, जिस तरह से वो भागी है, वैसे भी उसका तो बुरा हशर ही होना है। और व्हाट एन इडियट शी इज। उसके लिए मैंने मैनहट्टन में इतना बड़ा अपार्टमेंट बुक किया, स्पोर्ट्स कार ली थी, इतना बड़ा हॉल बुक कर लिया सेलिब्रेशन के लिए, और वो उन सारी चीजों को लात मार के मुझे लात मार के चली गई। फरदीन प्लीज काम डाउन। मुझे पता है कि वो बहुत बदकिस्मत है। मेरे बेटे जैसा लड़का तो उससे मिल ही नहीं सकता। लेकिन प्लीज आप भूल जाओ उसे। फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट। भूल जाओ, क्या रोक लगाई आप लोगों ने? इट्स ऑन अ इजी वे आउट। डैड, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अस्मिया को छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे बेइज्जत किया है, यहां पे भी और अमेरिका में भी। मैं क्या जवाब दूंगा अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को जाके, कि मैं वहां दूल्हा बन के बैठा रहा और मेरी दुल्हन आई नहीं, क्योंकि वो किसी और के साथ भागी।